क्या खतरनाक कोरोना वायरस चीन की लैब में पैदा हुआ? इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। इस पर तमाम रिसर्च भी हो रही है, इसे लेकर शक की सुई चीन पर बनी रहती है। ये अलग बात है कि वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत नहीं मिले हैं, उन्हें लगता है कि इसकी उत्पत्ति नेचुरल है। वैज्ञानिकों के एक समूह ने द लेसेंट पत्रिका में लिखा है कि इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि कोरोना वायरस चीन में एक प्रयोगशाला से निकला है। हाल ही में किए गए अध्ययन से दृढ़ता से पता चला है कि वायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई है। सोमवार को प्रकाशित रिपोर्ट को दुनिया भर के 2 दर्जन जीव वैज्ञानिकों, परिस्थितिवादियों, महामारी वैज्ञानिकों, चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों ने कंपाइल किया है। क्या है वैज्ञानिकों का कहना? लेखकों ने पत्रिका में लिखा कि हमारा मानना है कि इस वैज्ञानिक शोध में सबसे मजबूत सुराग ये मिला है कि कोरोना वायरस प्रकृति में विकसित हुआ है। वहीं इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक रूप से मान्य साक्ष्य नहीं है कि कोरोना वायरस एक लैब से निकाला है। पहले भी नकारी थी लैब में पैदा होने की बात। वैज्ञानिकों की इसी टीम ने पिछले साल द लेसेंट में प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी लैब में रिसाव के विचार को साजिश करार देते हुए खारिज कर दिया था। ताज़ा रिपोर्ट में ऐसे समय में आई है जब कई देश कोरोना वायरस की उत्पत्ति और अधिक जांच करने का आह्वान कर रहे हैं। इन देशों को आशंका है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की एक प्रयोगशाला से निकला है, जहां दिसंबर 2019 में पहला मामला सामने आया था। रिपोर्ट के लेखकों ने कहा है कि आरोपों और अनुमानों से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि इनमें वायरस के चमगादड़ों से इंसानों तक पहुंचने की जानकारी और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की सुविधा नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि नए वायरस कभी भी उभर सकते हैं। अगर हमें अगली महामारी को रोकने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहना होगा तो इस बयानबाजी को कम करने और वैज्ञानिक जांच पर प्रकाश डालने की जरूरत है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।